शिवसेना और भाजपा आपस में एक दूसरे को कितना ही कोस ले और कितना ही एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा ले, लेकिन अंततः चुनाव के समय तक एक हो जाते हैं। और ऐसा ही इस बार भी हुआ है। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में गठबंधन हो रहा है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से भाजपा 25 और 23 पर शिवसेना लड़ेगी। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पत्रकारों से यह स्पष्ट किया कि दोनों पार्टी के कार्यकर्ता चाहते थे कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ें। पहले दोनों में मनमुटाव था, लेकिन अब नहीं है। कुल मिलाकर 2014 के चुनाव में दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और तब भाजपा को 23 और शिवसेना को 18 सीटों पर जीत मिली थी। अब इस बार फिर से दोनों के बीच तालमेल हो गया है और दोनों ही दलों ने तय किया है कि वे एक दूसरे का साथ देते हुए चुनाव लड़ेंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।